हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं 9th में। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर मतलब कि आयोटा के ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो उसको हम फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि ये मेरा वीडियो पिछला वीडियो मेरा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिया, वहाँ जाकर क्लिक करें और देखें वीडियो और इन्जॉय करें। और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा अगला ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखिए, पहले तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दी है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह लिखते हैं, एक्स ए कोमा बी प्लस ए कोमा बी, ठीक है, प्लस सी कोमा डी, ठीक है। अब जैसे ही हम कोमा ख़त्म करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा और बी के साथ आयोटा आ जाएगा प्लस। इसी तरह हमारा सी कोमा ख़त्म करेंगे प्लस आ जाएगा और डी के साथ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये दोनों नंबर है मतलब के जो रियल है उनको रियल के साथ करेंगे और जो इमेजिनरी है उनको इमेजिनरी के साथ करेंगे, ठीक है। अब ये ए प्लस सी आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस, पहले आप क्या करें, प्लस अब इसमें से आयोटा कॉमन आ रहा है तो बी प्लस डी, ये आयोटा कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ए प्लस सी भले पड़ा रहे, अब देखिए प्लस है तो इसको आप क्या करें, कॉमा में कन्वर्ट करें और इमेजिनरी नंबर है ये पूरा और ये रियल नंबर है पूरा, ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है, ठीक है। अब आयोटा इसके साथ है तो आयोटा हम ख़त्म करेंगे और प्लस ख़त्म करेंगे तो कॉमा आ जाएगा तो बी प्लस सी, तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, या सी प्लस डी, ए प्लस सी कोमा सी प्लस ए प्लस बी कोमा सॉरी ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ए प्लस बी कोमा सॉरी ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, यह हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कैसे, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरे भी आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए एक ही एग्जांपल लूँगा मैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा, तो देखिएगा गौर से। अब हमारे पास है टू कोमा -3 प्लस -3 कोमा कोमा 4, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी, पहले आप देखिए ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, डी है, यहाँ हमने ऐसे ही लिया था। अब आप क्या करें, अब फार्मूला देखें, फार्मूला क्या है, ए मतलब के टू, ए की वैल्यू क्या है यहाँ,
ठीक है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ, टू। अब बी की नहीं लेनी है हमें, सी की लेनी है। ए प्लस सी, फार्मूला देखें, ए प्लस सी, सी है, देखिए प्लस अगर हम रखेंगे, चलो माइनस थ्री रख लिया मैंने, ठीक है, ए प्लस सी, कोमा लगा लें आप डायरेक्ट, ठीक है, बी प्लस डी, बी क्या है हमारा माइनस थ्री और डी क्या है प्लस फोर, ठीक है। देखिए पहले हमें क्या करना है, ए की वैल्यू रखनी है, फार्मूले के हिसाब से देखेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ए प्लस सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस सी और बी प्लस डी, ठीक है। इसी तरह अब क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, सो टू माइनस थ्री कोमा, यहाँ तो वैसे माइनस का थ्री आएगा और प्लस फोर, तो टू में से माइनस थ्री गए तो माइनस वन बचा, और माइनस थ्री में से प्लस के फोर गए तो प्लस का वन बचा, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये था हमारा फार्मूला, याद रखें और इस फार्मूले से कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कीजिए, और आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिए है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।